संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सांख्यकारिका के 2 श्लोकों को समझाने का प्रयास करूंगा। सांख्यकारिका का लगभग इन श्लोकों को बताने के बाद फिर सांख्यकारिका में बताने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ये मैं ज़्यादातर दर्शनों को बोलने जब ख़त्म होने पर होते तो ये बोलता हूँ, और मैं इसी पर 1 या 2 मिनट आपको लूँगा। कुछ हमारे मित्र हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, उनका प्रश्न रहता है कमेंट में कि आप सूत्रों को ऐसे ही समझा देते हैं, उसका व्याख्या करके सूत्रों को नहीं समझाते। तो आपको लिए बताता चलूं, मैंने सूत्रों को संज्ञा प्रकरण में बहुत विस्तृत रूप से समझाया है। जिन मित्रों ने नहीं देखा है वो संज्ञा प्रकरण को जाकर के देख लें। तो संज्ञा प्रकरण में जब मैं सूत्रों को समझा चुका हूं तो यहां सूत्रों को समझाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सूत्रों को नहीं समझा रहा हूं, यहां शब्दों को समझाया जा रहा है। शब्दों में क्या क्या होता है वो सिद्धि की जा रही है, सूत्रों की सिद्धि नहीं की जा रही है। सूत्रों की सिद्धि के लिए भाष्य पढ़ना पड़ेगा, और भाष्य के लिए मैं यह भाष्य नहीं पढ़ा रहा हूँ। भाष्य पढ़ने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा अष्टाध्यायी का। तो अष्टाध्यायी पहले कंठस्थ करिए, उसके बाद फिर भाष्य का अध्ययन कीजिए, जिसमें भाष्य में उस सूत्रों को तोड़ तोड़ के बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है। वो यहाँ मुमकिन नहीं है। मैं आपको अष्टाध्यायी का अध्ययन नहीं करा रहा हूँ, ये बात समझने की कोशिश करिए आप। जिन मित्रों को अधिक जिज्ञासा है वो वैदिक संस्कृत गुरुकुल बाबा रामदेव जो हैं उनके चैनल पर जाकर के आप विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं बहुत विस्तृत में। मैं कहता हूँ आपको संस्कृत जहाँ से भी मिले उसे ढूंढ के निकाल के अध्ययन कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा चैनल कोई देखिए, आप जिनको सुविधा हो देखिए, ना सुविधा हो मत देखिए। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर के किसी और चैनल पर अध्ययन मत करिए, आप जाकर के अध्ययन करिए, ढूंढिए। YouTube चैनल पर भरमार है इन चीज़ों की। तो मुझे आज तक जितना भी चैनल है उसमें आपको मैं बता रहा हूँ, जो विशेष जिज्ञासु हैं, विशेष पढ़ने के लिए तैयार रहने के लिए तैयार रहते हैं, वो वैदिक गुरुकुल संस्कृत का चैनल है। बाबा रामदेव के गुरुकुल से सीधा वो प्रसारित किया जाता है, वहाँ जो भी वीडियो पढ़ाई जाते हैं तो वहाँ विस्तृत में समझाया जा रहा है। सभी आप जो भी विषय लेंगे सब वहाँ विस्तृत में समझा रहा है। व्याकरण को बचपन से मानी शैशवा अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक जो भी होता है वो सब पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है। वहाँ कक्षा 6 के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनकी वीडियो भी पड़ी हुई है, प्रारंभिक संस्कृत व्याकरण के नाम से जाकर के देख सकते हैं। भाष का विस्तृत है, काशिका वृत्ति विस्तृत रूप से समझाई है, धातु वृत्ति विस्तृत रूप से समझाई जा रही है वहाँ। परिभाषा इंदुशेखरम एक पुस्तक का नाम है, वो भी विस्तृत रूप से समझाई गई है वहाँ। और ऐसे करके सारे दर्शन भी वहाँ विस्तृत रूप से समझाए गए हैं। तो आप अध्ययन करिए। आपके लिए अब यही चैनल के लिए एक कमेंट कि इसी में आपको सब चीज़ सीखनी है तो नहीं हो पाएगा, और मैं इतना विस्तृत ज्ञान मुझे भी नहीं है, तो मैं आपको उसका ज्ञान अर्जित करूं पहले, फिर उसको, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए एक वीडियो पढ़ाने के लिए बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है, और फिर भी गलती हो जाती है तो फिर उसको दोबारा बनाना पड़ता है। मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ ये, और संस्कृत को पता है इंटर कॉलेज में आप लोग जानते ही हैं कितना पढ़ाया जाता है और कितना पढ़ते हैं लोग। तो विशेष जिज्ञासु आप वहाँ जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी एक और बात करनी है, एक और हैं उनका कमेंट आया था कि आपने सारे विषय अधूरे अधूरे पढ़ाए हैं। अधूरे नहीं पढ़ाए हैं, आपकी समझ में थोड़ा सा फर्क है। मैंने दर्शनों को जितना पढ़ाया है जितना कि आपको समझने में जहाँ समस्या होती थी वो पढ़ा दिया। अब याद करना है बाद बाकी वो छोड़ दिया है, वो मैं कभी लूँगा। अब याद भी आप नहीं कर सकते तो ये आपका दुर्भाग्य है। जितना समझने की प्रक्रिया थी वो मैंने दर्शनों की लगभग समझा दी है, केवल योग दर्शन को मैंने छुआ नहीं है अभी, बाकी जितने भी दर्शन है वो मैंने समझने की प्रक्रिया को समझा दिया है। आज सांख्य दर्शन है, आज यहाँ खत्म हो जाएगा समझाने की जितनी भी बातें हैं, उसके बाद फिर वो आगे जितनी भी रह जाएंगे वो आंकड़े रह जाएंगे, उसको कंठस्थ करने की प्रक्रिया रह जाएगी, उसको कंठस्थ करिए आप। तो और इतना एक ही विषय को अगर लेके बैठ जाऊँगा, मैं एक बार लेके बैठ गया था एक विषय तो उसको 6 महीने में नहीं समझ पाए थे, बहुत समय लगता है एक विषय को पढ़ाने में। सभी को थोड़ा सा अध्ययन करिए, और मैं बता रहा हूँ आपको 70% भाग हर परीक्षाओं से संबंधित है, आपको पढ़ा चुके हैं हम इस चैनल के माध्यम से। किसी भी परीक्षा को अगर ढंग से आपने सारे वीडियो देख लिए तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी परीक्षा में अछूते रह जाएंगे। और ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ये वादा भी कर रहा हूँ आपके साथ कि यदि आपने सही से पूरा सिलेबस उठा के हमारे चैनल पर जाकर के सभी क्रम से अध्ययन किया, जिसमें भी दुनिया भारत के किसी भी राज्य की परीक्षा संस्कृत से संबंधित हो और उसका वीडियो हमारे चैनल पर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ विषय हैं जैसे अलंकार है, अलंकार को मैंने छुआ है थोड़ा सा, लेकिन अनुप्रास अलंकार पे जाकर के छोड़ दिया मैंने,
क्योंकि अनुप्रास अलंकार को एक ही जैसे समझाया जा रहा है, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत विस्तृत में है। इसलिए मैं जब समझाता हूँ तो उसको बहुत डीप स्टडी करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, उसके बाद पढ़ने की आपको ज़्यादा जरूरत ना पड़े। तो विशेष जिज्ञासु आप अदर चैनल पर भी जा सकते हैं, मैंने एक दो बताए हैं और आप ढूंढिए, बहुत सारे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, आज मैं सांख्य दर्शन के दो श्लोक ले रहा हूँ, सांख्य कार्य का। आज के बाद इस सांख्य कारिका में पढ़ाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, फिर वही रह जाएंगे कि कितने तत्व रह गए हैं, कितने क्या तत्व हैं, किसमें कितनी बुद्धि तत्व है, किसमें कितने प्रकार की बुद्धि होती है, अहंकार कितने प्रकार का, सब गिनने वाली चीज रह जाएंगी। तो वो आप गिनते रहिए, मुझे समय मिलेगा तो मैं भी गिनवाऊंगा साथ में। तो एक श्लोक है, हमने अब तक जो पढ़ा था वो पुरुष और प्रकृति प्रधान के बारे में ही चर्चा की थी, अब पुरुष और प्रकृति कैसे क्रिया करते हैं इन दो श्लोकों में पूरी प्रक्रिया बताई गई है। जब तक ये समझ नहीं आएगी हमें जीवन का पूरा उद्देश्य नहीं समझ में आएगा। इसमें बोला गया है तस्मात् तत्, संयोगाद चेतनम। ठीक है, चेतनावदेव लिंगम। देखिए यहीं पे बात खत्म हो जाती है, तस्मात् तत् संयोगाद चेतनम। तस्मात् तत् दो शब्द है इसमें, तस्मात् का प्रयोग किया गया और तत् का प्रयोग किया गया, यानी उससे वह संयोग करके, ये इसमें बोला गया है। अब कौन किससे संयोग करेगा ये देखेंगे, ठीक है ना। अचेतनम यानी अचेतन जो है वह अचेतन, उससे संयोग करके, किससे, पुरुष, जिसके पुरुष के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछली कार्यक्रम में, आप जाकर के उसमें अध्ययन कर सकते हैं, आत्मा के बारे में बहुत विस्तृत में समझाया है। अब इसमें दो चीज है, अचेतन यानी कि प्रधान, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, प्रधान कहिए इसको, अचेतन कहिए, ठीक है, अचेतन, इसका एक और नाम है प्रकृति, सब कुछ इसी के नाम है। और इस ये जो माना गया है इसका संयोग पुरुष के साथ किया गया है, तो पुरुष इसके साथ मिलता है या पुरुष इसमें आकर के मिलता है, ये दोनों संयोग जो होता है, संयोग में ये निश्चित नहीं होता कौन किसके साथ जाकर के मिल रहा है, दोनों एक साथ का एक साथ ही मिलन होता है, ये इसमें चर्चा है। चलिए आगे देखते हैं, गुण कर्तृत्व अपि तथा कर्तव्य भवत्य उदासीनः। तस्मात् तत् संयोगाद् अचेतनम् चेतनावद् इव लिंगम्। ठीक है, अब यहां जो लिंग दिया गया है, लिंग जो दिया गया वो प्रधान का विस्तृत रूप है। ठीक, विस्तृत रूप क्या है कि लिंग, जब लिंग में 18 तत्व आते हैं, और मैंने जब ये पहली बार पढ़ाया था, पहला श्लोक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने सारी व्यवस्था दी थी आपको, आप जाकर के वहां अध्ययन कर सकते हैं, या इसके श्लोक के बाद अब आपको सारी बातें बताई जाएंगी किससे कौन सी चीज निकलती है। तो प्रधान से महत्त्व निकलता है, महत्त्व से महत्त्व, या इसको बुद्धि तत्व कहते हैं, फिर अहंकार निकलता है, ऐसे करके निकलते चले जाते हैं, फिर उससे तन्मात्रा निकलती है, फिर लास्ट में जो आता है सूक्ष्म तन्मात्राएं, या इनको तन्मात्रा मानिए, तो वो सारे इस जो अवयव हैं वो 18 अवयव माने जाते हैं, वो लिंग ही होते हैं, उनको लिंग बोला जाता है। ठीक है ना, लिंग मतलब चिन्ह एक तरह से मान के चलिए, प्रकृति के, प्रधान के लिंग। तो अब कह रहा है कि चेतनावद इव, अब थोड़ा सा इसको व्याख्या कर, तस्मात् तत्, तस्मात हो गया और तत् हो गया और संयोगाद अचेतन हो गया, इस शब्द अलग अलग कर रहा हूं उसके ना, अचेतन और ये चेतनवत, चेतनवत लिंगम, तो हमारे पास है ये लिंग। ठीक है, जो लिंग है जब वो यह जो अचेतन है जब उससे मिल जाता है, चेतन से, इसमें मतलब किससे मिल जाता है,
यानी कि पुरुष से। पुरुष कैसा है? पुरुष हम जानते हैं चेतन है। पुरुष कैसा है? चेतन है, लेकिन उदासीन है, अर्थात वो कोई कार्य नहीं करता, करता नहीं है, इसलिए यहां पर जो प्रयोग किया गया उदासीन, यानी कि वो एक तरह से शांत रहता है, कार्य नहीं करता कुछ भी। चेतन है वो, जैसे ही अचेतन इसमें जाकर के या अचेतन में अचेतन जैसे ही दोनों का मिलन होता है, तो जो अचेतन था, जो लिंग पूरा, जो सारी प्रकृति हमको नजर आती है, इसमें हमारा शरीर पूरा संपूर्ण दिखाई दे रहा है आपको, वो ऐसा लगता है कि चेतन है, चेतनवत कार्य करने लगता है, लेकिन होता नहीं है। हमारा शरीर, मैं बोल रहा हूं, हाथ चल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, ये सारी जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, चेतन की भांति जो शरीर कार्य कर रहा है वो चेतन नहीं है, चेतनवत है। ठीक है ना, इसको याद रखना, चेतनवत लगता है लेकिन चेतन है क्या? पुरुष है चेतन। यहां पर आगे इसमें थोड़ा सा और आगे चलें। गुण कर्तृत्व अपि, इसके बाद फिर कह रहा है गुण कर्तृत्व अपि, गुण कर्तृत्व अपि, गुण कर्तृत्व अपि मतलब गुण कौन से हैं? गुण वही सत्व, रज, तम, ये तीन गुण हैं, ये कर्ता हैं। ठीक है, ये कर्ता हैं, होने पर भी हमें कर्तैव भवति उदासीना, यानी कि ये कर्ता है, तथा पुरुष कैसा लगता है हमको? उदासीन होने पर भी, उदासीन होने पर भी कर्तैव, कर्ता की भांति यानी कर्ता की तरह लगता है। अब दो चीजें इसमें, सबसे पहली चीज हो गई जो चेतन नहीं है वो तो चेतन की तरह कार्य कर रहा है, अर्थात प्रधान, जिसको हम लिंग बोल सकते हैं, 18 अवयव जो हैं प्रधान के, वो चेतन की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं चेतन नहीं है, वो पुरुष के संपर्क में संयोग के कारण वो चेतन की तरह कार्य कर रहे हैं, इसलिए संयोग शब्द प्रयोग किया गया है। दूसरा बात आता है इसमें कर्ता, और कर्ता जो, कर्ता का जो गुण है वो कर्ता का गुण किसमें है? वो इसमें है, ये गुण, 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 गुण में, ठीक है ना, गुण किसमें? सत्व, रजस, तमस, ये गुण हैं, ये कर्ता हैं, ये कार्य को करते हैं, लेकिन ये कार्य को करते हुए भी जब लगता है तो ऐसा महसूस होता है, जब उसको देखते हैं या महसूस करते हैं कि पुरुष ही करता है, यानी कि अब ये हम महसूस कर रहे हैं अंदर कि अब किसी से पूछा जाए कि आपके हाथ कौन चला रहा, तो आप ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आत्मा है अंदर, पुरुष है, वो इस कार्य को कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नई बात बता रहा हूं मैं आपको यहां पर। यहां पर अब तक हम जो भ्रम में रहते थे, जीते थे, वो ऐसा था कि ऐसा मानते थे कि मैं आंखों से जो देख रहा हूं वो देखने का जो कार्य कर रहा है वो पुरुष है, ऐसा हमारे उपनिषदों में भी बोला गया कि जो आंख से देख, आंख देख रही है वो नहीं, आंख से जो देख रहा है वो मैं हूं, इस तरह से चर्चा की गई है। लेकिन ये तो ये कह रहा है कि आंख को देखने का जो कार्य है वो ये गुण कर रहे हैं, कार्य तो ये गुण करते हैं, लेकिन फिर पुरुष क्या कर रहा है? पुरुष कर्ता की भांति महसूस होता है, ये कर्ता नहीं है, ये उदासीन है। यहां पर समस्या होती है कि आत्मा की चर्चा इतनी लोगों ने की है, वो है क्या, कहने का तात्पर्य उनका है क्या, ये समझ नहीं आता। एक बार और बताते चलो, थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए इसको, क्योंकि ये बड़ी घुमावदार चीजें होती हैं। यहां जो कर्ता का भाव हम पुरुष को देते हैं, हाथ पुरुष, आत्मा चला रही है, बोल आत्मा रही है, आत्मा के द्वारा बोला जा रहा है, जो भी कार्य किया जा रहा है वो सारा पुरुष कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर तो ये कर्ता हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं ये कर्तत्व भाव से दूर है, उदासीन है, उदासीन भाव में रहता है, इसलिए तो बोला जाता है कि ये ना तो जन्म लेता है ना ये मृत्यु को प्राप्त होता है। चलिए मैं एक उदाहरण से शायद आपको समझ में आ जाए, भौतिक दृष्टि से, वीडियो बड़ी हो जाती है, जिसको देखना है आप देख सकते हैं, जिसको जाना वो जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। मुझे पंखा लीजिए, छोटा सा उदाहरण देता हूं, बिजली का, बिजली को, विद्युत को
एक पल के लिए आप आत्मा मान लीजिए, पुरुष मान लीजिए, ठीक है। यहां से बातें आपको शायद समझ में आ जाए। अब हम ये कहेंगे कि जितने भी कार्य कर रही है, बिजली कर रही है, विद्युत कार्य कर रही है, यानी कि पंखा चलाना, पंखा चलाना, ठीक है ना, इस बल्ब को जलाना, बल्ब को जलाना, ट्यूबवेल चलाना, या इलेक्ट्रिक कार जो आगे कार को चलाना, मतलब जो भी कार है वो ये विद्युत की विद्युत कर रही है, विद्युत करता हो गई। क्या ऐसा है? थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि पंखा को चलाने की इसमें क्षमता होती, पंखा स्वयं चलने की क्षमता रखता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे यहां पर जो गुण है, ये सत्व रजस तमस, ये अलग अलग गुण अलग अलग प्रवृत्ति के कार्य करते हैं, ये इनमें गुण है। जैसे ही इनको ऊर्जा मिलती है, आत्मा की या विशेष पुरुष की, ये अपने कार्य के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो आत्मा पुरुष जो चर्चा की गई है वो उदासीन है, लेकिन वो एक करंट की भांति कार्य करता है, तो ये अपने आप में कार्य करने लग जाते हैं। जैसे एक ही करंट है, एक ही बिजली है, यदि वो पंखा में पहुंचती है तो पंखा अपना कार्य करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। यदि उस करंट को रोक दिया जाए तो पंखा गतिहीन हो जाता है। यदि बिजली में, करंट में गति करने की क्षमता होती तो उस पंखे की जो अवयव हैं, मुख्य अवयव जो घुमाते हैं, उसको चलाते हैं, उनको निकाल लीजिए आप, तो बिजली को कितनी भी ताकत से चलाइए वो चला नहीं सकती। यदि ऐसा चलाने का उसमें गुण होता तो बल्ब जलता नहीं, चलता। यदि बिजली में चलाने का नहीं, जलाने का गुण होता तो बल्ब पंखा चलता नहीं, जलता। समझना इस बात को, चलना और जलना, चलना या जलना, ये बिजली के गुण अपने हैं नहीं, ये उस अवयव के हैं, उस पार्ट के हैं, उस हिस्से के हैं जो अपने आप को अपने में गुण रखता है। तो ये गुण की जो चर्चा की गई है, गुण कर्तृत्व, इन गुण के अंदर ही वो करता है। बल्ब के अंदर गुण है तो वो जलेगा, उसको इलेक्ट्रिक मिलेगी तो वो जलेगी। पंखे के अंदर गुण है कि वो चलेगा, तो वो जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक या विद्युत मिलती है तो वो चलने लग जाता है। रॉड है पानी गर्म करने की, तो उसको जैसे ही लाइट मिलती है, हीटिंग मिलती है, तो वो गर्म होने लगती है और पानी को भी गर्म कर देती है। हीटर है, हीटर को लाल देख रहा होगा आपने, वो उसका गुण है गर्म होना, लाल होना, लाल दिखना, तो विद्युत लाल हो जाती है उसमें। तो इलेक्ट्रिक एक है, उसका अपना कोई गुण नहीं है, वो उदासीन है। उसको जैसे जैसे इक्विपमेंट, जैसे जैसे आप पदार्थ लगाएंगे उसके अंदर, अवयव लगाएंगे या उपकरण लगाएंगे, वो वैसा ही कार्य करने लग जाएंगे। उसके अपने गुण होते हैं, ना कि बिजली के, ना कि विद्युत के। विद्युत का एक गुण नहीं होता, हजारों गुण होते हैं, अब कोई गुण नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही पुरुष जो है उदासीन है। अब जैसे ही, अब कहते हैं ना आत्मा, अगर आत्मा, हाँ इसमें एक प्रश्न और है, जो कहते हैं ना कि आत्मा अजर अमर है और आत्मा एक जैसी है सभी के अंदर, ये बात ठीक है। अब इससे आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, तो ये आत्मा की कमी नहीं है, उस इक्विपमेंट की, उस उपकरण की कमी है, जिसके कारण उस आत्मा को पूर्ण रूप से, यानी उस ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपने अंदर अवशिष्ट नहीं कर पा रहा है। 100 वाट का बल्ब है या 50 वाट का बल्ब है, ऊर्जा तो सभी के लिए एक ही होल्डर लगा हुआ है, होल्डर एक है, उसमें आप 50 वाट का लगाइए, 0 वाट का लगाइए, 100 वाट का लगाइए, 1000 वाट का लगाइए, जितनी वाट का लगाएंगे उतनी वाट का प्रकाश देने लग जाएगा। तो उसमें उस इलेक्ट्रिक का, उस विद्युत का कोई गुण नहीं है, वो उस उपकरण के एब्जॉर्ब करने की, उसको अवशोषित करने की क्षमता है। इसलिए विद्युत भी उदासीन है। अब आपको करंट लगता है तो ये मत कहना कि करंट लगता है तो उदासीन कैसे हो सकती है। वो आपके इस शरीर में ये गुण है कि आपके अंदर सारे तत्व हैं, लोह तत्व भी है। पानी में करंट आता है, लेकिन पानी जब हम आशु मतलब वर्षा का जो जल होता है उसको यदि विद्युत के तार से छुला दें तो उसमें करंट नहीं आता, क्योंकि वो एकदम वाष्पीकृत होता है, उसमें कोई कण ऐसा नहीं होता जिससे कि वो करंट पास कर सके, तो उसमें गुण क्या हो गया, उदासीन हो गया ना हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम इलेक्ट्रिक से ले सकते हैं। तो आत्मा यहां बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, इसको समझना बड़ा ही टिपिकल है। मैंने दर्शनों में बहुत देखा और ये मेरे दिमाग में विचार कभी आज ही आया है और कभी पहले भी नहीं आया, अचानक पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आया। इस तरह से मैं आपको समझा सकता हूँ, वो शायद आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है।
तो हम पुरुष एक ही होता है, इलेक्ट्रिक मान के चलिए, ऊर्जा होती है, मैंने एक दिन और चर्चा की थी, ये ऊर्जा है। उपकरण कैसा है ये कभी और चर्चा करेंगे, वो कैसे प्रयोग होते हैं। इस तरह से पुरुष जो है अकर्ता होने पर भी कर्ता जैसा व्यवहार करने लग जाता है, अचेतन यानी लिंग अचेतन होने पर भी चेतन जैसा हमको प्रतीत होने लग जाता है, जबकि गुण सत्व रजस तमस के ये कर्ता के इसके गुण हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा इसमें श्लोक ले लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं मैंने बहुत बोल दिया है, इसमें आपको कुछ समझ में आया होगा। एक बार और बता दूं थोड़ा सा, दोनों के संयोग से जो लिंग होता है वो अचेतन होने के बावजूद भी चेतन की भांति महसूस होता है या चेतन की तरह लगता है, इव लगा हुआ है, इसके लिए तरह या भांति प्रयोग कर सकते हैं। गुण कर्तृत्व अपि, जो सत्व रजस तमस ये गुण है उसमें कर्ता होता है, यानी वो कर्ता का कार्य करते हैं, लेकिन जो हमें पुरुष जो होता है वो उदासीन होता है, लेकिन उदासीन होने पर भी हमको वो कर्ता महसूस होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का संयोग हो गया है। इस वजह से संयोग होने के कारण ये भ्रम पैदा हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत लंबा हो जाते हैं, दर्शन को समझना बड़ा टिपिकल हो गया, जितने लोगों ने इसको समझा उतना ही इसको कठिन कर दिया, जितनी टिप्पणियां की गई हैं दर्शन में उतना ही उसको घुमा फिरा के बहुत ही गंदा कर दिया है मामला। खैर जो भी है, जैसी जैसी सोच है, इसीलिए तो बोला गया है कि जीवन कैसा है, अब जो हम आगे इस कार्यक्रम में देखेंगे। दूसरा जो आया है इसमें कार्य का, अब बात आती है कि इन दोनों का मिलन हुआ क्यों, हर चीज का एक कारण होता ना, कि हमने ये बल्ब क्यों लगाया, इलेक्ट्रिक और बल्ब का संयोग हुआ क्यों, क्योंकि रोशनी की जरूरत थी। पंखा और बिजली का संयोग हुआ क्यों, क्योंकि हमको हवा की जरूरत थी। रॉड की और इलेक्ट्रिक विद्युत की आवश्यकता हुई की, क्योंकि हमको पानी गर्म करना था। ऐसे ही पुरुष और प्रधान, चेतन पुरुष और अचेतन अब प्रधान जो है उसका संयोग हुआ क्यों, उसका कारण क्या है। तो इसमें बोला गया है पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य। बात प्रश्न का उत्तर तो यही मिल गया। ये कह रहे हैं कि पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम प्रधानस्य। यहां पर कैवल्य के लिए, यानी जो उस पुरुष को, देखिए यहां दो चीज आई ना, पुरुष और प्रधान। प्रधान मतलब प्रकृति जिससे सारी चीज उत्पन्न हुई है। एक चीज यहां पर और समझने की है, कभी कभी ये बात समझ में आती नहीं है और इसकी चर्चा भी कभी करेंगे फुर्सत मिलेगी तो, आज तो हम अध्ययन ही कर रहे हैं। पुरुष शक्ति को मान लिया जाए तो प्रधान किसको माना जाए, ये आपके लिए प्रश्न है, किसी को आप जवाब पता हो तो मुझे बताएं। तो पुरुष का जो जन्म होता है, पुरुष का जो संयोग होता है प्रधान से, वो इसलिए होता है कि उसका दर्शन कर सके, देख सके। पुरुष केवल देखने के लिए प्रधान से संयोग करती है, मिलता है उसके दर्शनार्थ, दर्शन के लिए, ये इसमें बोला गया है। फिर प्रधान को क्या जरूरत है उससे मिलने का, क्यों मिले, वो इसलिए। अब यहां पर एक बात और चर्चा करने वाली है, जब जो पुरुष है वो उदासीन ही है, उदासीन का मतलब तो उदासीन ही होता है, तो इसका तो कोई तात्पर्य ही नहीं है कि वो किसी का दर्शन करे या ना करे, उसे कोई मतलब नहीं है। जब हम अंतिम कार्यक्रम में अध्ययन करेंगे इसका, तब हम इसमें पूरे उत्तर समझ आएगा। इसमें थोड़ा घुमाव दे दिया है प्रश्न के लिए या परीक्षाओं के लिए, आपको इसको याद करना है कि पुरुष दर्शन के लिए और प्रधान पुरुष के कैवल्यार्थ के लिए मिलन करती है। वास्तव में तो देखा जाता है, जब बात पढ़ेंगे हम अध्ययन करेंगे इसमें आगे, प्रधान ही जन्म लेता है, प्रधान ही मृत्यु को प्राप्त होता है, प्रधान ही स्वयं दर्शनार्थी बनता है दर्शन देने के लिए,
और प्रधान ही कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, कर देता है, मतलब स्वयं चला जाता है, जो कुछ बचता है वो उदासीन अवस्था में जैसा का तैसा रह जाता है, कैवल्य हो जाता है वो। ये तो न कुछ करता है, करता ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये तो बस जो है जो क्या जो आया था वैसा ही रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है, इसको कोई किसी से मतलब नहीं है। भाई बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिक का वो तार लगा हुआ है, प्लग लगे हुए हैं, आप उससे चाहे तो पंखा चला लें, चाहे तो आप उससे रोड चला लें, चाहे तो उससे आप टीवी चला लें, लैपटॉप चला लें, जो चाहे आप वो कर सकते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। और चाहे तो उसमें से हटा लें, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, कैवल्य को प्राप्त हो गया। तो जो प्रधान है वो उपकरण है, उपकरण ये शक्ति है, इसका इस्तेमाल ये करती है, ना कि ये किसी का इस्तेमाल करेगा। शक्ति किसी का इस्तेमाल नहीं, शक्ति स्वयं न्यूट्रल है, अपने आप में उदासीन है। अब इसका प्रयोग ये कैसे करती है, इसका प्रयोग स्वयं दर्शन करने के लिए भी कर लेती है, स्वयं का दर्शन इसी वो लगता है कि मुझे देख लिया पुरुष ने, तो ये अपने आप को मंच से छोड़ देती है। जैसे एक नर्तकी, उदाहरण दिया है इसमें, जैसे एक नर्तकी को दर्शन देख लेता, दर्शनार्थी जो होते हैं वो देख लेते हैं, तो नृत्य करना छोड़ देती है और शर्म की तरह से चले जाते हैं। तो ऐसे ही जब ये प्रकृति देखती है कि मुझे पुरुष के द्वारा देख लिया गया है, पुरुष को कोई मतलब ही ना, उसने कहा बस को उसको महसूस होने लगता है कि पुरुष ने मुझे देख लिया है, बस उसी दिन वो अपने मंच से विदा हो जाती है, अर्थात वो पुरुष को छोड़ देती है, छोड़ते ही वो केवल को प्राप्त हो जाता है। इतनी सी बात है इसमें। इलेक्ट्रिक का सॉकेट लगा हुआ है, उसमें से आप तार निकाले, ये तो सॉकेट तो वहीं रहेगा, तार ही तो अलग हट गया, जो प्लग लगाया था आपने वही तो अलग हट गया, तो वही मुक्त हुआ, वही कैवल्य को प्राप्त हुआ, पुरुष तो था ही कैवल्य में। इसीलिए तो कहा गया है कि अपने आनंद की अनुभूति, आप चैतन्य स्वरूप हैं, उसको दिमाग में ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, आपको तो बस महसूस हो जाएगा। जिस दिन आप ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे, आप देखना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे। आगे चलते हैं। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, ये दोनों क्यों करते हैं, करते कैसे हैं, ये पंगुअंध उभयोरपि, पंगुअंधवाद उभयोरपि संयोगस्तथा तत्कृतः सर्ग। ठीक है, यानी कि पंगु अंधवत उभयोपि, लंगड़े और अंधे की भांति दोनों का संयोग होता है। पंगु मतलब लंगड़ा, ठीक है, और अंध मतलब अंधा, यानी कि लंगड़े और अंधे की भांति। इसमें कौन लंगड़ा है, कौन अंधा है? लंगड़ा जो पैर से ना चल सके, यानी कि जो चल ही ना सके, कहीं जा ही ना सके, तो हम इतना उदाहरण देख चुके हैं इसमें कि जो उदासीन है वही लंगड़ा है, चल ही नहीं पाता, अर्थात पुरुष यहां पर लंगड़ा है, याद रखना आपको, ये बहुत बात पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। और जो प्रधान है वो अंधा है, प्रधान है वो कैसा है, वो अंधा है, क्योंकि उसमें चेतन नहीं है, जिसमें चेतन नहीं है, चेतना नहीं है, तो वो अंधा हो गया। तो ये लंगड़े और अंधे की भांति संयोग करके, संयोग करते हैं, और तत्कृतः सर्गा, और वो दोनों मिलकर के उस सृष्टि का निर्माण करते हैं। ये इसमें पूरी प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने को है आपको, बस इसमें यह याद रखना है कि कौन इसमें लंगड़ा है, कौन अंधा है, और पुरुष दर्शन के लिए, प्रधान कैवल्यार्थ के लिए, ये प्रश्न इसमें से एक दो प्रश्न ये बन जाते हैं, और तीसरा प्रश्न ये बन जाता है कि इसमें कौन लंगड़ा है, कौन अंधा है। तो हम ये जान गए हैं कि चेतन जिसमें नहीं है, अचेतन अर्थात प्रधान अंधा है, और जिसमें उदासीन की भावना है वो लंगड़ा है। तो मैंने कुछ ज्यादा ना कह दिया हो इसमें, कुछ पता नहीं चलता, मेरी भावनाओं को बह जाता हूं मैं। आज के लिए इतना ही, और आपको ये लाभकारी अवश्य सिद्ध होगा। धन्यवाद।